अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, जो खास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट का है और ईयर है 2020-2021। यानी इस साल के लिए जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, हमें वो समझना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब इसकी कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, कितने सेक्शन रहेंगे इसमें, हमको एक एक चीज़ को तफसील से समझना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट डिक्लेयर किया गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया है। इसका जो एनुअल एग्जाम का पेपर पैटर्न रहेगा उसका लिए टाइम जो दिया गया है वो है 3 hours और टोटल मार्क्स रहेंगे 70, मतलब 70 मार्क्स के लिए ये पेपर पूछा जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है पेपर में। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें बताया गया कि 4 सेक्शन आपको अटेंड करना है, ए बी सी और डी, और इन चारों सेक्शन में अलग अलग सवालात दिए गए हैं। तो डायरेक्ट हम सवालात किस तरह से कौन से सेक्शन में पूछे जाएंगे वही देखते हैं। पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, इसमें पूछे जाएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे 1 से 10 तक, रोमन में इसकी गिनती रहेगी 1 से 10 तक, यानी 10 MCQ पूछे जाएंगे और इसके लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 10, 10 मार्क्स रहेंगे। हर MCQ 1 मार्क्स के लिए होगा। MCQ आपको पता है किस तरह से आता है कि एक सवाल पूछा जाता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों ऑप्शन में ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होता है जो आपको चुनकर लिखना पड़ता है। इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQ पूछे जाएंगे और ये 10 मार्क्स के लिए होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर टू में 1 से लेकर 8 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनको कहा जाता है एक जुमले में जवाब लिखिए। इस तरह के ये सवालात होते हैं जिनको 1 sentence में इनका जवाब लिखना पड़ता है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे तो इनकी टोटल होगी 8 मार्क्स। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन बी 16 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहेंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे। इसकी ऊपर इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्ट एनी एट, मतलब कोई 8 के जवाब लिखिए। ये शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक जो सवालात होंगे वो हर सवाल 2 मार्क्स के लिए होगा। इसके ऊपर हर एक के लिए 2 मार्क्स होंगे। इस तरह से आपको कोई 8 सवालात के जवाब लिखना है, टोटल ये रहेंगे 12, यानी 3 से 14 तक जो होंगे वो 12 होंगे। 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करना होगा, बाकी के जो रहेंगे वो ऑप्शन में आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन सी, ये एग्जाम में पूछा जाएगा 24 मार्क्स के लिए, 24 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इंस्ट्रक्शन रहेंगे इस पर भी अटेम्प्ट एनी एट,
कोई 8 के जवाब लिखिए। अब यहां पर इसकी टाइप रहेगी शॉर्ट आंसर। अब देखिए यहां पर शॉर्ट आंसर जो है फर्स्ट और शॉर्ट आंसर सेकंड, इस तरह से, मतलब ये भी शॉर्ट आंसर है और ये भी शॉर्ट आंसर की टाइप है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो सेक्शन बी में जो पूछे जा रहे हैं वो हर सवाल पर 2 मार्क्स होंगे और यहाँ पर हर सवाल के जवाब पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पर अगर आप, ये भी 12 ही सवाल होंगे, 12 में से आपको कोई 8 या 8 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। तकरीबन इनकी टाइप एक जैसी ही रहेंगी, सवालात की जो टाइप होंगी, और जो इसके अलावा जो कॉमनली जो सवालात पूछे जाते हैं इन दोनों ग्रुप के अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगला शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी, इसे कहा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक होंगे ये, यानी ये टोटल एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल होंगे ये 5, और इन 5 में से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा एनी 3, कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन पर लिखने पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इस तरह से अगर आप 3 सही आंसर लिखते हैं तो आपको टोटल मिलेंगे 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया सेक्शन डी के ताल्लुक से भी। अब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या क्या समझा है। तो हमने समझा है सेक्शन ए, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर, ये हर एक पर 1-1 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से एमसीक्यू 10 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप की जो फर्स्ट टाइप है वो होंगी, जो 2 मार्क्स के लिए 1 होगा, और ये होंगे टोटल 16 मार्क्स के लिए। फिर सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए 1 सवाल पूछा जाएगा। इस तरह आपको टोटल 8 सवाल आपके जवाब लिखना होंगे। इसकी भी टाइप रहेगी शॉर्ट आंसर, और लेकिन ये पूछे जाएंगे 24 मार्क्स के लिए। और जिनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहा जाता है ये सेक्शन डी में रहेंगे सिर्फ। इसके ऊपर आपको मैटर भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कंटेंट इसमें ज़्यादा लिखना होगा आपको, और ये 4 मार्क्स के लिए हर 1 सवाल होगा। इस तरह लिखने पर आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। ये हो गए टोटल 70 मार्क्स। तो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है डायग्राम और एमसीक्यू के ताल्लुक से, तो वो भी समझ लेते हैं। फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर आप फिगर डायग्राम बनाते हैं और उसके साथ में उसको सही तौर से लेबलिंग करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी के साथ एमसीक्यू के ताल्लुक से बताया गया है कि फॉर ईच एमसीक्यू करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलोंग विद अल्फाबेट। आपको हर एमसीक्यू का जब आप जवाब लिखो तो उसमें लिखते वक्त जो करेक्ट आंसर है उसको अल्फाबेट के साथ लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक एमसीक्यू है जिसके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी, तो इन 4ों में से जो सही आंसर है, फर्ज करते हैं कि अगर आपका आंसर ए ये सही है, ए ऑप्शन वाला, तो आपको इसका अल्फाबेट ए भी लिखना होगा और उसके अंदर जो कंटेन है, जो उसका जवाब है, वो भी लिखना होगा। सिर्फ आप जवाब या सिर्फ अल्फाबेट नहीं लिख सकते, दोनों लिखना जरूरी है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एमसीक्यू का आंसर लिखते हैं कि सही आंसर कौन सा है ए बी और सी डी में से, तो वो स्टूडेंट्स
चारों भी आंसर लिख लेते हैं। अब इन चारों में से कोई एक सही है, मार्क्स तो एक पर ही मिलना है, लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड का रूल है कि इनमें से जो पहला होगा, जो पहला अटेम्प्ट किया होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, उस पर ही वो डिसाइड होगा कि उसको मार्क्स मिलना चाहिए या नहीं। तो इस तरह से आपको ये पूरा पेपर पैटर्न समझ लेना है, इसको अच्छे से याद भी कर लेना है, और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम को फेस करोगे तो आपको इसी पेपर पैटर्न को जहन में रखते हुए तमाम जवाब लिखना है। अब चलिए स्टूडेंट, आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ समझाता हूँ, ख़ास तौर से एनुअल एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा आपको होगा, जिस टॉपिक का नाम है वेटेज अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल की बिना पर क्वेश्चन को किस तरह से और कितना वेटेज दिया गया है, ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो टोटल जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तीन लेवल होंगी, जिसमें पहली लेवल होंगी इजी सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आसान क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके पेपर में टोटल पूछे जाएंगे 29 मार्क्स के लिए, 29 मार्क्स पर पूछे जाएंगे ये, जिसका परसेंटेज होगा 30%। आपके मुकम्मल पेपर का परसेंट कितना कवर करेंगे ये, 30%। दूसरी लेवल है एवरेज। एवरेज मतलब ना इसमें, ये जो लेवल है इसमें ना बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, ये दरमियानी होंगे। तो ये जो दरमियानी टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये होंगे टोटल 49 मार्क्स के लिए, 49 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपके पेपर का 49 मार्क का हिस्सा कवर करेंगे, और परसेंट में अगर देखा जाए तो ये 50% का हिस्सा कवर करेंगे। आपको इससे स्टूडेंट बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप ये समझ जाए तो। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हैं तो आप उसमें से जो इजी लेवल वाले क्वेश्चन हैं ये तमाम आप अटेंड कर सकते हैं, जो टोटल 30% का होता है। एवरेज अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई की लेवल और अगर थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपको ये 50% वाला हिस्सा भी आपके अंडर में होगा, आपके कवर में हो जाएगा। इस तरह 50 और 30 यानी 80% पढ़ाई जो है आपकी इजी और एवरेज स्टडी पर ही मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके लेवल के साथ साथ इसको वेटेज कम दिया गया। पूरे पेपर के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 मार्क्स के लिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आपके लिए इजी हो, आप इसको ऐसा भी ना समझे कि आपको पेपर इजी मिल जाए और आप मुकम्मल पेपर लिख लें या आपकी स्टडी बिल्कुल इजीली कर लें। डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 मार्क्स के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्टडी हो रही है ये बहुत, आप इसे लाइट भी नहीं ले सकते, आपको इसकी डिफ़िकल्टी लेवल समझते हुए स्टडी करना होगा। ये आपको एग्ज़ाम में 20% पूछे जाएंगे। अब जिन लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लेना है, हाईएस्ट मार्क्स लेना है, तो उनको ख़ास तौर से डिटेल स्टडी करना होगी, क्योंकि उनको ये डिफ़िकल्टी लेवल वाला हिस्सा भी कवर करना होगा। इस तरह ये टोटल मार्क्स है 98, ये विथ ऑप्शन पूछे जाएंगे, विथ ऑप्शन, ऑप्शन के साथ में। वैसे अगर विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन के बगैर इनको हम गिनती करें तो एग्ज़ाम में ये तमाम 70 मार्क्स के लिए होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी।